खेतवाड़ी चौथी क्रॉस लेन गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जाने वाले हैं खेतवाड़ी की साइड पूरा को कवर करने वाले हैं। एंड मैंने जो आपने ब्लॉग नहीं देखा रहेगा लालबाग का एंड गणेश गली चिंतामणि ये सब का एक ब्लॉग में डाल दिया है मैंने। एंड परेल का भी जो था वो भी डाल दिया है। एंड GSB सेवा मंडल जो सोने वाली मूर्ति देती है वो भी डाल दिया है मैंने। एंड आज हम लोग खेतवाड़ी कवर करने वाले हैं, तो देखते हैं भीड़ रहती कि नहीं। मेरे को ज़्यादा रस नहीं चाहिए इसलिए मैं मॉर्निंग में निकला हूँ 11 बजे, तो देखते हैं क्या रहता है। एंड आपको बताता हूँ कि खेतवाड़ी कैसे जाना है, एंड क्या है, कितना भीड़ जाएगा और कौन कौन सी मूर्ति आपको देखनी चाहिए खेतवाड़ी में, तो इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा। एंड देखते हैं क्या होता है। एंड चलो हम जाते हैं गणपति बप्पा मोरिया। ग्रैंड रोड स्टेशन है, एक ग्रैंड रोड स्टेशन से सीधा सीधा ही जाना है, फिर आगे से राइट मारना है, फिर उधर से लेफ्ट मारना है पेट्रोल पम्प की इधर से, तो उधर से खेतवाड़ी चालू हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे जाना है। सामने ग्रैंड रोड स्टेशन है, उधर से स्ट्रेट आना है, एंड इधर से हम लोग पहले ग्रैंड रोड का मार्केट का राजा देख लेंगे, उसके बाद इधर से सीधा जाके लेफ्ट मारना है, पहले ही लेफ्ट राइट मारना है, सॉरी राइट मारना है। उधर से फिर पेट्रोल पम्प आएगा ना, पेट्रोल पम्प से आपको लेफ्ट मारना है, उधर से खेतवाड़ी चालू हो जाती है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर, देखते हैं ये ग्रैंड रोड का राजा, उसके बाद जाएंगे खेतवाड़ी कवर करेंगे। अरे भाव आप राइट मार के आएंगे पेट्रोल पम्प में, इधर से सीधा आपको अंदर जाना है। इधर से लाइन से ही मूर्तियाँ बैठ के खेतवाड़ी चालू होता है। एंड हम लोग पहला 13वीं गली जाएंगे, उसके बाद 12वीं गली, एंड ऐसे ही जाते रहेंगे 11वीं गली, ऐसे जाते रहेंगे, देखते हैं कितना टाइम जाता है एंड क्या जाता है, तो कितना भीड़ रहता है एंड कौन कौन से हम लोग गणपति कवर करते हैं, देखते हैं चलो। एंड हम लोग ग्रैंड रोड का मार्केट का देखे, वो भी एकदम रियल था, जैसे कि हनुमान जी और पीछे का जो था वो अयोध्या का बना था। तो देखते हैं अभी आगे की मूर्तियाँ कैसी रहती है एंड क्या रहता है, तो वीडियो में बने रहिए। ये थोड़ी तेजी कर ली है, सुबह 11 बजे से आज इतना लाइन लगाना पड़ता है, आज शनिवार है ना इसलिए इतना भीड़ है। एंड देखते कितना देर में दर्शन होता है हमारा, तो वीडियो में बने रहिए। खेतवाड़ी बात भी बनी में, देखते
खेतवाड़ी ग्यारहवीं गली का मुंबई से महाराज है, कुछ ऐसा है दिखने में, बहुत ही बड़ा है रियल में तो। क्या लग रही है मूर्ति? हमारा भी एक अनुज अभी सो चलेगा, इसीलिए इतना लाइन लगा था भीड़ का। अभी ये खुलेगा, देखते हैं कि सार्वजनिक उत्सव मंडल खेतवाड़ी दसवीं गली सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। प्राचीन काल में देव और दानवों के बीच युद्ध होते थे। प्रत्येक युद्ध का आरंभ दानव ही करते थे। देव सदाचारी तो दानव दुराचारी, परंतु ईश्वर सदा धर्म की ही रक्षा करता है। दानवों के अत्याचार से देवता वर्ग को मुक्त करने के हेतु देवाधिदेव महादेव जी ने अमृत की लालसा दानवों को दिखाकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। समुद्र मंथन करने सर्पराज वासुकी तिरस्सी और मेरु पर्वत की मथनी निश्चित हो गई। भगवान श्री विष्णु ने कूर्मावतार धारण करके मेरु पर्वत अपनी पीठ पर उठा लिया और आरंभ हुआ समुद्र मंथन। स्थिति में यदि कोई आशा शेष थी तो वो थे शिव शंकर महादेव, जो इस महासंकट को हर सभी को रक्षित कर सकते थे। आज शनिवार है इसलिए इतना भीड़ है।
जस खेतवाड़ी दसवीं गली के बाजू में है। और यहाँ पर एक इंच की गणपति भी रहती है, एक का सिक्का कुछ डालना पड़ता है इधर एंड इधर से आता है वो, बट अभी बंद है, अभी कोई है नहीं इधर। तो आप आओगे तो तभी शाम को आई थिंक चालू रहता है ये। खेतवाड़ी तक चिंतामणि नवी गली है। खेतवाड़ी चार राजा रात को चालू होगा, अभी अभी नहीं चालू होगा। खेतवाड़ी पांचवी गली खेतवाड़ी चौथी क्रॉस ले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल खेतवाड़ी का लंबोदर यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सम्राट खेतवाड़ी सर केवल गंगा को धारण किया, परंतु तुम इस पृथ्वी पर गंगा को ला रहे हो। तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति इस संसार में सदा के लिए अमर रहेंगे। गंगा तुम्हारे साथ जाएगी। चला अपन सर्वांनी मिळून बोलूया हर हर महादेव। बोला हर हर महादेव। गणपती बाप्पा ओरिया। खेतवाडीचा महाराज लवकर करा। 25 फीट। खेतवाडीचा मोर्या दर्शन घ्या आणि पुढे चला लवकर। खेतवाडी तिसरी गल्ली। सुबह लाइन यहाँ ही तो लगती, अरे पूरा नास्ता हो गया।
एंड तला हो गया, जिधर तला दिख रहा है उधर तला हो गया, इसलिए पहले ये दर्शन कर लिया उसके बाद बाकी जा कर लिया। गाइस जस्ट मैं अभी एक दुकान के पीछे ही खड़ा हूँ, मतलब दुकान के नीचे, तो मैं बता दूँ आपको कि बारिश बहुत हो रही है, आप जब भी आना तो छाता लेके आना, धूप से बचाएगा एंड बारिश से बचाएगा आपको। तो मैं बता दूँ मेरे को कितना टाइम लगा खेतवाड़ी दर्शन में, सुबह 11 बजे आया था एंड अभी के बज रहे कुछ 4 बज रहे, तो मुझे लगभग 5 घंटा हो गया, दर्शन पूरा कर लिया मैंने, खेतवाड़ी का दर्शन पूरा करा। एंड आपको 1 घंटे में भी हो सकता है, VIP लाइन है, उसके लिए पास लेना पड़ेगा। खेतवाड़ी 12वीं गली के लिए कुछ 50 रुपये एंड बाकी 11वीं 10वीं के हर एक गली का 30-30 रुपये एंड कुछ कुछ गली के मतलब 100 भी चल रहा था, इसलिए टाइम भी हो गया इतना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना साइकी ब्लॉग चैनल को। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो।